Hello, students. In the last video, we have completed the Gauss law and its application. We have also solved some numericals to understand the application of Gauss law. Now, in this video, I will start with the one new concept that is called electrical potential. Okay, electric potential. Okay, so what is electric potential? Okay, how we can calculate electric potential? We will study in this video. Okay. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होता है सबसे पहले हम वो डिफाइन कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ठीक है स्केलर है यहां पर ये पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूं आपके लिए कि ये क्या है आपका स्केलर है ठीक है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एट एनी पॉइंट इन द फील्ड ओके मीन्स जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ही स्केलर मेजर है ठीक है ना इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ओके तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर मेजर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओके अब अगर मैं अगर यहां पर बात करूं मैथमेटिकली डेफिनेशन uh, की या मैथमेटिकल इक्वेशन की तो यहां पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं वी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द चार्ज ओके वर्क डन डिवाइडेड बाय ठीक है चार्ज ओके okay? तो ये वर्क डन है क्या समझिए यहां पर वर्क डन बाय द चार्ज टू रीच द पॉइंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ चार्ज तो पोटेंशियल है क्या आपका वर्क डन बाय द चार्ज टू रीच द पॉइंट डिवाइडेड बाय चार्ज क्लियर है अच्छे से अब आपको तो यहां पर V की जो वैल्यू हो जाएगी वर्क डन W डिवाइडेड बाय Q मतलब जूल पर कुलाम ओके क्लियर है अच्छे से नाउ हम लोग को पता है वर्क या एनर्जी को इस तरीके से हम शो कर सकते हैं W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ठीक है ना तो F डॉट dl क्लियर है अच्छे से अब आपको पता है कि जो F है कुम्स लॉ में आप लोगों ने स्टडी किया था वो क्या होता है क्यू ओके okay? तो आप डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं क्यू डॉट डी एल चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ओके नाउ यहां पर अगर मैं वी को लिखने के लिए जाऊं तो वी क्या हो जाएगा डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं आप क्यू डॉट डीएल ओके डिवाइडेड बाय क्यू तो आपका क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका ई डॉट डीएल यहां पर आपको एक और पॉइंट समझना है वो ये है कि यहां पर आप वर्क कर रहे हैं वर्क डन यहां पर वर्क हो रहा है ठीक है तो एनर्जी यहां गेन नहीं हो रही है आप एनर्जी दे रहे हैं एक तरह से ठीक है ना वर्क आप कर रहे हैं तो यहां पर जो वर्क होगा आपका वो क्या होगा माइनस ठीक है ना तो यहां पर जो आंसर है वो आएगा माइनस में ओके क्लियर है अच्छे से और एक और पॉइंट आप समझ लीजिए यहां पर यहां पर आप लोगों ने लिखा क्या है आप लोगों ने लिखा है एफ डॉट डी एल इसका मतलब आप क्या निकाल रहे हैं डी डब्ल्यू क्लियर है Clear, अच्छे से तभी तो आपने लेंथ में कैलकुलेट किया है ना तो डी डब्ल्यू कैलकुलेट होगा इसका मतलब यहां पर क्या कैलकुलेट हुआ है आपका डी वी अब अगर आपको v कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मुला इस फॉर्मुले के थ्रू अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल ठीक है स्केलर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर वैल्यू होगी आप देख सकते हैं वैसे भी ये डॉट प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है आपका स्केलर होता है क्लियर है अच्छे से नाउ यहां पर कुछ पॉइंट्स आप समझ लीजिए सपोज करिए अगर आपकी यहां पर लिमिट्स होती आ, मैं कोई भी लिमिट यहां पर ले लेता हूं x एंड y ठीक है मान लीजिए यहां पर लिमिट्स होती है आपकी तो पोटेंशियल जो डिफरेंस है, एक्चुअल में है क्या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है ना तो यहां पर अगर आपका जो एक्स की वैल्यू है, अगर लोअर लिमिट के रेस्पेक्ट में अगर आपका पोटेंशियल जीरो आता है जो वी है एक्चुअल में है क्या आपका वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई है सपोज मतलब करिए और अगर सपोज कर ये लोअर लिमिट के रेस्पेक्ट में आपका पोटेंशियल जीरो आता है Vx 0 आता है, तो ये जो आपका वी वाई है वो कहलाता है आपका अपसेल्यूट पोटेंशियल ठीक है ना ये क्या कहला जाएगा आपका अपसेल्यूट पोटेंशियल क्लियर अच्छे से आपको ना यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं इस फॉर्मुले का यूज करके जो हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट किया है डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाले हैं ओके तो यहां पर सबसे पहले मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाला हूं पोटेंशियल पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज ओके किसके लिए कैलकुलेट करने वाला हूं पॉइंट चार्ज हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है ना आपको याद होगा मैं लिख देता हूं यहां पर ई e की वैल्यू थी आपकी क्यू अपॉन फोर पाई एप्सॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू ए आर ठीक है ना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी ये आपने गॉस लॉ के फर्स्ट एप्लीकेशन में आपने कैलकुलेट की थी आपको याद होगा फॉर अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ हमारा जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो क्या है माइनस ई डॉट डी एल ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस चू अपॉन फोर पाई नॉट आर स्क्वायर ए आर डॉट अब आप समझिए यहां पर आपने ए आर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपने AR लिया हुआ है थ्योरी में तो यहां पर डीएल जो है वो क्या हो जाएगा आपको याद भी होगा आपने पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया था तो डीएल की वैल्यू आप क्या लें कि ये वैल्यू जीरो ना हो तो ऑब्वियस सी बात है डीएल का भी ए आर ही होना चाहिए डायरेक्शन तभी ए आर डॉट ए आर क्या होगा वन तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए आर डायरेक्शन में क्या होती है डिस्टेंस आपकी क्या होता है आपका डीएल डी आर ए आर ठीक है ना तो डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी डी आर ए आर अगर आपको फॉर्मुला याद नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो से फॉलो कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर जो वी की वैल्यू है डी आर डॉट ए आर आपने डीएल रखा तो ए आर डॉट ए आर क्या हो गया आपका वन हो गया क्लियर है अच्छे से और आप समझिए यहां पर आपको फिर

तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ Q अपॉन फोर पाई लॉ नॉट आर तो ये आपकी वैल्यू है पोटेंशियल V की ओके okay? तो यहां हम लोग को पोटेंशियल V मिल गया फॉर अ पॉइंट चार्ज क्लियर है अच्छे से नाउ यहां पर आप समझिए एक पॉइंट अगर आपका आर जो है वो कांस्टेंट हो जाए इफ आर इज कांस्टेंट ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि क्यू तो चार्ज की कोई वैल्यू है फिक्स वैल्यू होगी फोर पाइप नॉट भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आर कॉन्स्टेंट है तो वी भी क्या हो जाएगा आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा क्लियर है अच्छे से यहां तक आपको नाउ अब हम पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल फॉर अ लाइन चार्ज ओके तो अब हम यहां पर लाइन चार्ज के लिए पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ओके okay? आपको याद होगा लास्ट वीडियो में जब हम लोगों ने गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ा था तब हम लोगों ने लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी वैल्यू थी रो एल अपॉन टू पाई एप्सलॉन रो ए रो ओके तो यहां पर जो वोल्टेज का हमारा फॉर्मूला है वो क्या है माइनस ई डॉट डी एल तो ई कितना है आपका रो एल अपॉन टू पाई एप्सलॉन रो ओके ए रो ठीक है डॉट डीएल जो आपका डीएल होगा वो कितना होगा आप अभी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं आपको याद होना चाहिए जब हम लोगों ने गॉस लॉ स्टडी किया था ठीक है ना सेकेंड एप्लीकेशन और हम लोगों ने जब लाइन चार्ज कंसीडर किया था तो हम लोगों ने सिलेंडर कंसीडर किया था ठीक है ना तो यहां पर जो डीएल होगा वो आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है तो आपको इस तरीके से लिखना है कि वहां पर डायरेक्शन ए रो हो तभी तो ए रो डॉट ए रो आपका कोई वैल्यू आएगी जीरो आंसर नहीं आएगा तो जब डायरेक्शन ए रो होता है तो आपका जो डीएल है वो क्या होता है डी रो ए रो ओके तो यहां से आप देख सकते हैं ए रो डॉट ए रो कितना हो जाएगा आपका वन हो जाएगा क्लियर है अच्छे से तो यहां पर आप देखिए डी रो के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो आंसर क्या होगा माइनस रो एल टू पाई एप्सलॉन ठीक है ना ये सारे कांस्टेंट है आउटसाइड हो जाएंगे वन बाई रो का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका वन बाई एक्स का क्या होता है एल एन एक्स तो क्या हो जाएगा एल एन रो ठीक है इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं रो एल अपॉन टू पाई एप्सलॉन ठीक है एल एन वन बाय रो ठीक है ना माइनस साइन की जगह हमने क्या लिख लिया लॉग वन बाई एक्स न बाई एक्स सिक्स माइनस लॉग एक्स क्लियर है अच्छे से आपको तो ये हो गया आपका पोटेंशियल इन केस ऑफ लाइन चार्ज ठीक है आप यहां पर समझिएगा अगर आपका रो कांस्टेंट होता है ठीक है तो आप देखिए रो एल जो है वो लाइन चार्ज डेंसिटी है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी एक फिक्स वैल्यू होगी टू पाई एप्स भी क्या है कॉन्स्टेंट है तो अगर आपका रो कॉन्स्टेंट होगा तो आपका वोल्टेज जो V है वो भी क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा क्लियर है अच्छे से तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए ठीक है तो ये हमारा वोल्टेज था फॉर अ लाइन चार्ज नाउ हम लोगों ने गॉस लॉ के थर्ड एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी फॉर अ शीट चार्ज तो पोटेंशियल शीट चार्ज के लिए ओके तो यहां पर कैसे हो जाएगा आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की थी शीट चार्ज के लिए इक्वल टू रो अपॉन ओके तो यहां पर अगर मैं v की वैल्यू कैलकुलेट करूं और यहां पर आप डायरेक्शन ए लिख दीजिए वहां भी मैंने डायरेक्शन ए ही लिखा था ठीक है सपोज करिए मैं डायरेक्शन ए एक्स ले रहा हूं यू कैन टेक एनी थिंग एक्स ए वाई और ए जेड आपको याद होगा आपने एक क्यूब लिया था क्यूब मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की स्फ़ेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों मतलब होगा आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर है ना अच्छे से नाउ तो आप ए एक्स ले लीजिए ए वाई ले लीजिए या ए जेड ले लीजिए सपोज मैं डायरेक्शन ए एक्स ले रहा हूं तो क्या होगा माइनस ई डॉट डीएल ठीक है ना डीएल फिर आपको क्या लेना होगा डीएक्स एक्स ओके तो यहां पर मैं डीएल की वैल्यू ले रहा हूं आपके लिए डीएक्स एक्स क्लियर है अच्छे से तो एक्स डॉट ए एक्स क्या हो जाएगा वन ठीक है माइनस रो एस अपॉन टू एक्स लॉन क्या है कांस्टेंट तो डीएक्स का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स ओके मीन सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ लेंथ क्या है आपकी एक्स है ठीक है क्लियर है अच्छे से अगर आपने डायरेक्शन लिया होता ए वाई तो आप यहां पर क्या लेते हैं वाई ए आंसर क्या होता है यहां पर वाई हो जाता क्लियर है ना अच्छे से नाउ ये सारी चीजें पढ़ लेने के बाद एक इंपॉर्टेंट नोट है आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा इस पॉइंट को वोल्टेज के लिए देखिए वोल्टेज जो है आपका वो डिस्टेंस के साथ हमेशा डिके होता है यूनिफॉर्म फील्ड आपकी एग्जिस्ट कर सकती है पर वोल्टेज ऑलवेज आपका डिके होता है डिस्टेंस के साथ जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं सपोज करिए ये आपका पॉइंट ए है बीच पे आपका कोई पॉइंट है बी और यहां पर आपका पॉइंट है अच्छे okay, से मान लीजिए यहां पर वोल्टेज है आपका हंड्रेड वोल्ट तो ये लगातार क्या होता रहेगा डीके सपोज करिए यहां पर पहुंच गया जीरो वोल्ट ठीक है तो जो वोल्टेज है वो लगातार आपका क्या होगा डीके होता रहता है बट हो सकता है यूनिफॉर्म फील्ड हो दैट मींस ई एक्वल टू ई बी इक्वल टू क्या हो आपकी ईसी हो ठीक है क्लियर है तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि वोल्टेज डिकेज विद डिस्टेंस बट यूनिफॉर्म फील्ड में एग्जिस्ट ओके क्लियर है अच्छे से तो ये था आपका पोटेंशियल या वोल्टेज का कंसेप्ट जो हम लोगों ने अलग अलग केसेस के लिए कैलकुलेट भी कर लिया है ठीक है मेन फॉर्मला आपको याद रखना है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और सामने क्या हो जाएगा माइनस साइन ठीक है नाउ मैं यहां पर अब एक क्वेश्चन कंसीडर करने वाला हूं इस कंसेप्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो है आपके लिए कि आपको पोटेंशियल वी कैलकुलेट करना है ठीक है एट पॉइंट आपको दिया हुआ है थ्री कॉमा वन कॉमा जीरो ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन तो विथ रिस्पेक्ट टू दिया है 0, 0, 0, जीरो 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 गिवन है क्वेश्चन में ठीक है और इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू आपको गिवन है है y क्लियर अच्छे से तो आपको क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं यहां पर आपको पोटेंशियल V कैलकुलेट करना है एट थ्री कॉमा वन कॉमा जीरो विथ रिस्पेक्ट टू जीरो 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 और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है यहां पर वाई ए एक्स प्लस एक्स ए वाई ठीक है अब अगर मैं यहां पर सॉल्यूशन पार्ट में अगर जाऊं तो हमें v का फॉर्मूला पता है क्या होता है माइनस ई डॉट डी एल ओके तो यहां पर आप देखिए मैं अगर वैल्यूज़ पुट कर दूं तो e की वैल्यू क्या है वाई ए एक्स प्लस एक्स ए वाई ये वैल्यू पुट हो गई ई e की कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉट डी एल डीएल आपको ध्यान देना होगा यहां पर स्मॉल ए भी है स्मॉल ए भी है तो डीएल आप क्या यूज करेंगे डी एक्स ए एक्स प्लस डी वाई ठीक है ना जो आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता था उसमें आपका डीएल का क्या फॉर्मूला था पूरा कंप्लीट डी एक्स ए एक्स प्लस डी वाई ए ठीक है तो आपका यहां पर स्मॉल ए भी प्रेजेंट था और स्मॉल ए भी प्रेजेंट था तो आपने स्मॉल ए एक्स और स्मॉल ए वाई वाला फॉर्मुला यूज कर लिया ठीक है क्लियर है अच्छे से नाउ आपका जो पॉइंट है वो क्या है जीरो 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 और अपर लिमिट क्या है थ्री कॉमा वन कौ जीरो आपको देख लीजिए क्वेश्चन में गिवन है क्लियर है अच्छे से अब यहां पर अगर मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर दू तो क्या हो जाएगा देखिए आप यहां पर हो जाएगा जीरो कौमा जीरो कौमा जीरो 2 3 1 0 और यहां पर क्या आ जाएगा देखिए आप जब ax ex करेंगे तब 1 होगा तो क्या हो जाएगा y dx ax ay 0 हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ay ax भी क्या हो जाएगा 0 ay ay क्या होगा आपका 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x dy ओके तो ये यह आपका यहां तक आंसर हो गया इसमें कोई प्रॉब्लम है हमें ठीक है अब अगर मैं यहां पर दोनों को सेपरेट कर लू क्योंकि आपका एडिशन में है ना तो आप सेपरेट कर सकते हैं तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या आएगा वाई डी एक्स वाई डी एक्स सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा एक्स डी वाई ठीक है और यहां पर एक और पॉइंट है आपको जो शुरू से ध्यान रखना है वो ये है कि सामने आपका साइन क्या है माइनस है ठीक है ना तो यहां पर आपका ये साइन माइनस होगा और साथ साथ में आपका जो ये साइन है नेक्स्ट वाला वो भी क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा तो इसे भी मैं माइनस कर देता हूं यहां पर ठीक है ना तो ये आपका हो गया माइनस ठीक है तो ये मिल गया हमें वी का इक्वेशन ओके नाउ अब आप देखिए जो आपकी लिमिट्स हैं वो क्या क्या है एक्स की लिमिट आपकी क्या है जीरो टू थ्री तो यहां पर आप क्या लिखेंगे जीरो टू थ्री लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है अब आपकी वाई की लिमिट क्या है वाई की लिमिट है जीरो टू वन तो यहां पर आप लिख देंगे जीरो टू वन क्लियर है अच्छे से तो ये हो गई आपकी एक्स और वाई की लिमिट देख लीजिए यहां पर डी एक्स था ना और यहां पर क्या था आपका डी वाई तो आपने यहां पर एक्स और वाई की लिमिट लिख दी है ओके okay. पर यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है अब आप देखिए ना तो यहां पर आपका वाई कॉन्स्टेंट है ना ही एक्स कॉन्स्टेंट है आप देख सकते हैं एक्स की लिमिट है जीरो टू थ्री और वाई की लिमिट है जीरो टू वन दोनों ही आपके क्या है वेरिएबल है लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपको वाई को इंटीग्रेट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में और एक्स को इंटीग्रेट करना है वाई के रेस्पेक्ट में तो अब हम करें क्या ठीक है ना अगर वाई कॉन्स्टेंट होता तो हम लोग यहां से वाई कॉमन ले लेते और dx का इंटीग्रेशन कर देते सेम एक्स के लिए भी होता आपका ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं तो हमें सिंपली यहां पर वाई और एक्स पे रिलेशन लाना पड़ेगा मतलब इस वाई को हमें एक्स के टर्म में लिखना पड़ेगा और इस x को हमें y के टर्म में लिखना पड़ेगा तभी हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे ठीक है क्लियर है अच्छे से तो आप देखिए अगर मैं यहां पर दो पॉइंट बना लू एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो एक्स वन वाई वन क्या है जीरो कॉमा जीरो ठीक है और एक्स टू वाई टू क्या है आपका थ्री कॉमा वन ठीक है ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास ठीक है तो क्या जब दो पॉइंट्स हमें पता हो तो क्या हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या यस yes, हम लोग लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है, है तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है वाई टू माइनस वाई वन दैट इज वन माइनस जीरो डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन दैट इज थ्री माइनस जीरो इंटू क्या होता है आपका एक्स माइनस एक्स वन तो एक्स माइनस जीरो तो कितना आया वाई इक्वल आ गया आपका एक्स अपॉन थ्री के ठीक है ना हमने सिंपली लाइन का इक्वेशन यूज किया है मैं साइड में लिख भी देता हूं अगर किसी को याद नहीं है तो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप एक्स वन जहां स्लोप की वैल्यू क्या होती है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन क्लियर तो ये हमें यहां पर वाई और एक्स पे रिलेशन मिल गया तो वाई क्या है एक्स बाई थ्री है और एक्स क्या है आपका 3Y है, है? ठीक तो इसे मैं इक्वेशन नंबर वन दे देता हूं इक्वेशन नंबर में मैं y और X की वैल्यू पुट कर दू यहां पर, जीरो टू थ्री और सामने क्या है माइनस साइन अब एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है यहां पर थ्री ठीक है तो आप पुट कर दीजिए थ्री वाई लिमिट क्या है जीरो टू वन ठीक है तो आप देखिए x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू ऑलरेडी थ्री पहले से है तो क्या हो जाएगा सिक्स लिमिट क्या है जीरो टू थ्री सामने माइनस साइन उसी तरीके से y का क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाय टू थ्री पहले से है तो थ्री वाई स्क्वायर बाय टू जीरो टू वन ओके क्लियर है अच्छे से नाउ यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर की जगह थ्री स्क्वायर करेंगे हम लोग कितना माइनस नाइन बाय सिक्स यहां पर कितना हो जाएगा वन पुट करेंगे स्क्वायर की जगह तो कितना हो जाएगा क्लियर है अच्छे से ठीक है इसे आप सॉल्व कर दीजिए आपकी वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी ठीक है तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन नंबर वन है ना वहीं से आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता था आपको y का इंटीग्रेशन करना था x के रेस्पेक्ट में और x का करना था y y के रेस्पेक्ट में और x और x दोनों ही वेरिएबल थे तो फिर हमारे पास एक ही अल्टरनेटिव था कि हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लें x के टर्म में और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें y के टर्म में तो हम लोगों ने यहां पर उसके लिए क्या कैलकुलेट किया एक लाइन का इक्वेशन लिखा और वैल्यूज कैलकुलेट कर ली क्लियर है अच्छे से तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए इस तरीके के ठीक है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहां पर एक और न्यूमेरिकल लेने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर टू उसमें आपको टू पॉइंट चार्जेस गिवन है एक है माइनस थ्री माइक्रोकुल का और एक है आपका सिक्स माइक्रोकुल का ठीक है पॉइंट्स भी आपको गिवन है टू माइनस टू कॉमा थ्री एंड सेकेंड पॉइंट है आपका जीरो थ्री माइनस टू इन दो पॉइंट्स पे आपके दो चार्जेस लोकेटेड हैं ठीक है फाइंड द पोटेंशियल आपको v फाइंड आउट करना है एट टू कॉमा जीरो कॉमा टू पर ओके okay? तो आपको टू पॉइंट चार्जेस गिवन है जो कि टू माइनस टू थ्री और जीरो थ्री माइनस टू पर लोकेटेड है और आपको वोल्टेज v कैलकुलेट करना है एट टू कॉमा जीरो कॉमा टू पर क्लियर अच्छे से तो यहां पर समझिएगा ध्यान से पॉइंट चार्जेस है

यहां पर देखिए आपको जो V कैलकुलेट करना है ना आपको दो दो चार्ज दिए हुए हैं दो अलग अलग पॉइंट्स पर और आपको V कैलकुलेट करना है टू कॉमा जीरो कॉमा टू पर दैट मीन्स V किसके इक्वल हो जाएगा V1 वन प्लस वी ठीक है ना दो अलग अलग चार्ज हैं तो दोनों के कारण आप अलग अलग टू कॉमा जीरो कॉमा टू पर वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे ओके क्लियर है अच्छे से नाउ यहां पर मैं अगर V1 की बात करूं तो Q1 क्या है माइनस थ्री इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स फोर पाठी एट पॉइंट जो आर है आपका वो क्या होगा डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में ठीक है ना हम लोग पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट कर चुके हैं वहां पर आर स्क्वायर होता था यहां पर क्या है आपका आर है ठीक है तो बेसिकली जो आपका आर है वो डिस्टेंस होगी आपकी टू कॉमा जीरो कॉमा टू माइनस टू कॉमा माइनस टू कॉमा थ्री ओके टू कॉमा माइनस टू कॉमा थ्री इससे आपको डिस्टेंस वेक्टर मिल जाएगा उसका अगर आप मॉड ले लें तो ये इक्वल हो जाएगा आपका आर के क्लियर है अच्छे से तो यहां पर मॉड मीन्स अंडर रूट ठीक है ना तो कितना हो जाएगा देखिए टू माइनस टू जीरो जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस ऑफ माइनस टू मतलब टू का स्क्वायर टू माइनस थ्री मतलब माइनस वन का स्क्वायर, ये आपका आ गया आर तो आर कितना हो जाएगा देखिए आप फोर प्लस वन फाइव अंडर रूट फाइव तो यहां पर आप पुट कर दीजिए अंडर रूट फाइव बहुत इजी है कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है सेम अगर मैं वी टू निकालने जाऊं तो वी टू के लिए आप देखिए Q आपको पता है सिक्स कुलाम तो सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स अपॉन फोर पाई इंटू एट पॉइंट एट फाइव फोर इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेल्व इंटू आर ओके तो आर आप फिर से कैलकुलेट कर लीजिए आर अब क्या हो जाएगा मॉड कौन से दो पॉइंट्स हैं आपके एक पॉइंट है आपका जीरो कॉमा थ्री कॉमा माइनस टू और एक पॉइंट क्या है टू कॉमा जीरो कॉमा टू ठीक है तो यहां पर मैं लिख देता हूं टू कॉमा जीरो कॉमा टू और नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका जीरो माइनस टू ओके तो यहां से आपका आर कैलकुलेट हो जाएगा अंडर रूट टू माइनस जीरो दैट इज टू का स्क्वायर फोर जीरो माइनस थ्री दैट इज माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन टू माइनस ऑफ माइनस टू

आपको कैलकुलेशन करना है और न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है ओके okay? तो ये हमारा बेसिक्स था पोटेंशियल का हमने डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल की वैल्यूज कैलकुलेट की एक दो क्वेश्चन देखिए कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और रिलेशन आपको बताऊंगा ठीक है लेकिन अभी अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो पहले आप उसे क्लियर कर लीजिए कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा अपने डाउट को मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा ओके तो अभी के लिए फिलहाल यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं मैं अपनी वीडियो को थैंक यू